कहता है ये होलो इंसुलेटिंग कंडक्टर स्पीयर गिवेन ए पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारे पास एक होलो कंडक्टिंग स्पीयर है, तो जब एक कंडक्टर ही है तो इससे कोई मतलब नहीं है कि होलो है कि सॉलिड है, क्योंकि जब मैं चार्ज दूंगा तो चार्ज इसके सरफेस पे जाके रह जाएगा, वहीं पे ये आराम से जाके बैठ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अंदर कोई चार्ज नहीं जाता है कंडक्टर के केस में, सॉलिड है या होलो इससे मतलब नहीं है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ द स्पीयर इफ द रेडियस 2 मीटर। अब देखो रेडियस 2 मीटर है, तो जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है यार, तो अंदर में फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, चार्ज जीरो होता है और पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है और वो सरफेस के इक्वल होता है, एट द इक्वल ऑफ द सरफेस। तो ये हमें याद रखना किसी कंडक्टर के लिए, कंडक्टर है किसी भी सेप साइज का है, एड़ा मेड़ा टेढ़ा कैसा भी है, ठीक है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर कंडक्टर है, होलो है, सॉलिड है, इससे मतलब नहीं है। अगर मैं उसको चार्ज दूंगा तो अंदर में चार्ज जीरो होगा, अंदर में फील्ड जीरो होगा और अंदर में हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगी और वो सरफेस के इक्वल होगी, ये हमें याद रखना। तो हमें सी ऑप्शन सही है।